हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस एंड डेंजरस इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ और आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ये कितना जानलेवा और भयानक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया था एंड आई बिलीव कि इस वीडियो के थ्रू मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक डिलीवर कर पाऊँगी। मैंने ये वीडियो बिहार के पटना में रिकॉर्ड किया है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पटना में गंगा रिवर के बैंक्स पे एक बहुत ही फेमस NIT घाट प्लेस है एंड ये वीडियो NIT घाट की ही है। NIT घाट पटना का काफ़ी फेमस एंड टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। अगर आप पटना से हैं देन आई एम श्योर कि आप इस प्लेस के बारे में जानते होंगे एंड मे बी आप यहाँ विजिट भी कर चुके होंगे। गाइज, जब ये बोट का इंसिडेंट यहाँ हुआ तब मैं यहाँ गई हुई थी एंड इट वॉज अराउंड इवनिंग टाइम। मैंने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है, दैट इज़ इट इज़ एब्सोल्युटली एन ओरिजिनल वीडियो। इनफैक्ट आई विल लाइक टू टेल यू कि मैं खुद इस बोट पे जाने वाली थी बट मैंने जब देखा कि यहाँ लाइफ जैकेट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं देन आई कैंसिल माई प्रोग्राम टू गो बिकॉज मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है एंड इट वुड बी वेरी रिस्कियर। आप देख भी सकते हैं, दिस इज़ मी स्टैंडिंग नियर द बोटिंग एरिया। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जस्ट फ्यू मिनट्स के बाद यहाँ इतना ख़तरनाक इंसिडेंट होने वाला है। सो आई रियली फील एक्सट्रीमली लकी कि मैं नहीं गई। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सा बोट है एंड इसमें कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं थे एंड यू कैन सी दैट किसी भी पर्सन ने लाइफ जैकेट नहीं पहना है बिकॉज यहाँ लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। सी, मोस्ट प्रोबेबली बोटमैन को तो स्विमिंग आती होगी बिकॉज ये उनका डेली का वर्क है और हर दिन वो ये काम करते हैं तो उनको तो स्विमिंग आती ही होगी। बट जो लोग यहाँ बोट पे बैठे हैं उनमें से कितने ही लोगों को स्विमिंग आती होगी एंड अगर आती भी होगी देन वो एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे कि ऐसे सिचुएशन को सडनली हैंडल कर पाएँ। सो गाइज, लाइफ जैकेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोट कुछ देर चलने के बाद ख़राब हो गई एंड यू कैन सी कि कैसे इसमें से ब्लैक स्मोक्स निकल रहे हैं। लकीली ये ज़्यादा दूर नहीं गया था एंड जो नियर बाई के बोट्समैन हैं उन्होंने इस इंसिडेंट को देखा एंड दे वर ट्राइंग कि जितना जल्दी हो सके वो इमिडिएट हेल्प यहाँ तक पहुँचा पाएँ। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट थोड़ा और दूर होता, मतलब घाट एरिया से अगर ये थोड़ा और दूर होता तो आई बिलीव कि ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता था इसमें। बट लकीली अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसमें कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ और कोई बहुत बड़ा ऐसा डिस्ट्रक्शन या लॉस नहीं हुआ। ऑल्सो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि इस बोट पर बैठे लोगों की क्या हाल हो रही होगी उस टाइम। सो गाइज, अगर आप कभी भी बोटिंग करने जाएँ देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, आपको लाइफ जैकेट ज़रूर पहनना चाहिए बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सडन सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं एंड स्विमिंग आने के बावजूद एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ, एज आई बिलीव कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। थैंक यू।